प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। दूसरा, 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधन राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनमें उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 5 ऐसे बाल संरक्षण गृह प्रदेश के अंदर संचालित हैं जिनमें इन बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनके लालन पालन की पूरी व्यवस्था सरकार उठाती है, जिसमें मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में है। अवयस्क बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, ऐसे अवयस्क बालिकाएं जो प्रदेश के अंदर होंगी, उनको भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, क्योंकि आवासीय विद्यालय इनमें, अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह बालिका में, जो प्रदेश में वर्तमान में 13 ऐसे गृह हम लोग बालिका गृह संचालित कर रहे हैं, अथवा हम लोग प्रदेश में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने जा रहे हैं, उन सब में उनको पूरी निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा ऐसे बालक और बालिकाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, ऐसी बालिकाओं की शादी के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यवसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे, जिससे कोरोना से उनका बचाव होने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको भी वर्तमान व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये 5 प्रकार के निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अनाथ हुए या उन बच्चों के लिए व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में संचालित होगी। इसकी पूरी गाइडलाइन विस्तृत रूप से प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को
अपने अभिभावक को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है और उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि राज्य सरकार की पूरी संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जिनके किसी निकट संबंधी का, प्रियजन का दुखद मौत इस महामारी के कारण हुआ है, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी, राज्य सरकार उनको हर प्रकार का संरक्षण देगी, हर प्रकार की सुरक्षा देगी और इसीलिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों के लिए आज इस प्रकार की 5 प्रकार की घोषणाएँ उन लोगों के लिए की हैं जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद जी।